हेलो एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम एनटीपीसी का जो पेपर दो अप्रैल 2016 की शिफ्ट वन में हुआ था उसमें जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वे सारे मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है ये एक दीवार है और ये एक सीढ़ी है ठीक है और इस सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है बीस मीटर राइट right? यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है यानी ये हो ये हो गई जमीन ठीक है ना धरती तो इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पॉइंट के नाम रख लेता हूँ ए बी और ये है सी तो हमें ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है ठीक है ना ये निकालनी है तो ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन है ठीक है ना ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये क्या है बेस और ये क्या है बेस मतलब आधार और ये क्या है हाई यानी करण तो आधार यानी बेस बटे करण यानी हाई किसके बराबर होता है को थीटा के ठीक है बेस की वैल्यू क्या है वो निकालनी है ए बी करण कितना है बीस मीटर और कोस थीटा थीटा एंगल होता है कोस 60 ठीक है ये इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी डिवाइड में 20 दैट इज इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू ठीक है तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ये बीस इधर चला जाएगा तो ट्वेंटी बाई यानी टेन मीटर हमसे दीवार से सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला था तो यह क्या आ गई टेन मीटर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि तीन संख्याएं चार पांच और सात के अनुपात में हैं, उनका योग तीन सौ बीस है इनमें से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए देखिए तीन संख्याएं ए बी और सी इनका रेशो क्या है चार रेशो पांच रेशो सात ठीक है मैंने इन्हीं को संख्या मान लिया तो ए कितना है चार यूनिट बी कितना है पाँच यूनिट और सी कितना है सात यूनिट अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो कितना आया सोलह यूनिट तो इनका जोड़ कितना आया सोलह यूनिट सोलह यूनिट एक्चुअल में किसके इक्वल है उनका योग तीन सौ बीस है तो सोलह यूनिट किसके इक्वल आ गया तीन सौ बीस के एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई तीन सौ बीस के डिवाइड में सोलह तो ये आ गया बीस तो एक यूनिट बराबर बरा आ गया बीस के ठीक है हमसे पूछा क्या है इनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए सबसे छोटी संख्या चार यूनिट सबसे बड़ी संख्या सात यूनिट इनका योग करिए चार और सात ग्यारह यूनिट एक यूनिट बीस के बराबर बर है तो ग्यारह यूनिट किसके बराबर होगी ग्यारह गुना बीस दो सौ बीस हमारा आंसर आ गया तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक साथ एक काम 40 दिन में कर सकते हैं उनकी काम करने की दर का अनुपात आठ अनुपात पांच है ए उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं उनके काम करने का अनुपात कितना है आठ अनुपात पांच ठीक है तो मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं एक दिन का काम एक दिन का काम ठीक है ना और बीच में लिखता हूं कुल काम और राइट हैंड साइड में लिखता हूं कुल समय ठीक है ना तो अब मान लीजिए मैंने जूम किया ए एक दिन में आठ यूनिट काम करता है बी एक दिन में पांच यूनिट काम करता है ठीक है ये मैंने मानना है दिया हुआ क्या है ए और बी एक साथ मिलकर एक काम 40 दिन में कर सकते हैं यानी ए प्लस बी एक साथ मिल एक दिन में कितना कितने दिन में काम करते हैं 40 दिन में तो वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ए और बी का जोड़ दीजिए आठ और पाँच तेरह यूनिट ए और बी एक दिन में तेरह यूनिट काम कर रहे हैं समय चालीस दिन है दोनों की गुना कर दीजिए हमारे पास कुल काम आ जाएगा पाँच यूनिट तो हमसे पूछा है कि ए जो है ए जो है वो अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा भाई काम तो है 520 वो एक दिन में आठ यूनिट काम करता है तो समय कैसे निकालोगे 520 बटे आठ चार पे कैंसिल कीजिए चार दुनिया आठ और यहाँ पे 130 आ जाएगा फिर आएगा 65 तो पैंसठ दिन लगेंगे ए को काम करने में तो ऑप्शन ए है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समकोण त्रि, त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है यदि ऊंचाई आधार से सात मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात करें देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है ठीक है ये आधार है ये ऊंचाई है ठीक है एरिया कितना दिया हुआ है, यानी क्षेत्रफल तीस मीटर स्क्वेयर ठीक है ना तो हमें आधार की वैल्यू निकालनी है यानी बेस की अब मान लीजिए आधार कितना है x है तो ऊंचाई कितनी है देखिए यदि ऊंचाई आधार से सात मीटर अधिक है यानी ऊंचाई है x प्लस सेवन ठीक है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का वन बाई टू इंटू आधार आधार कितना है x इंटू ऊंचाई ऊंचाई कितनी है x प्लस सेवन ठीक है तो ए की वैल्यू कितनी है a की वैल्यू है तीस दी हुई है तो ये जो टू है ये टू लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो थर्टी इंटू टू राइट हैंड साइड में एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स ठीक है तो ये आ जाएगा साठ एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स देखिए ये मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा सोल्व इससे भी हो जाएगा ठीक है ना इसको यहीं पे स्किप करिए यहां तक आप देख लीजिए यहाँ पे ए यहाँ तक इस इक्वेशन को मैं शॉर्टकट करता हूँ तीस दुनी साठ साठ बराबर है एक्स गुना एक्स प्लस सेवन देखिए हमें यहाँ पे कोई दो संख्या लेनी है जिनका डिफरेंस तो सात हो और गुणा साठ के को आती हो बिल्कुल सिंपल है पाँच और बारह देखिए बारह पंजे साठ डिफरेंस कितना है सात यानी एक्स की वैल्यू पाँच आई और यहाँ पे पाँच रखेंगे तो ये जो दूसरी टर्म है ये बारह आई तो आधार पूछा था आधार कितना आ गया पांच ऊंचाई कितनी है बारह तो हमसे तो आधार ही पूछा है तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ये भी हो जाएगा ठीक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा के लेकिन हमें यह नहीं करना है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर पचास है उन दोनों का अनुपात कितना है सात अनुपात दो है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए देखिए दो संख्याएं हैं ए और बी उनका अनुपात क्या है सात अनुपात दो मान लीजिए ए तो सात यूनिट है और बी कितना है दो यूनिट है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा पांच यूनिट ठीक है मैंने इन अनुपात वाले नंबर को ही संख्या मान लिया यूनिट में माना है तो दोनों का डिफरेंस क्या है पांच यूनिट बट एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया हुआ है पचास तो एक यूनिट की वैल्यू क्या कैंसिल हो जाएगा टेन ठीक है को क्या मानना था सात यूनिट एक यूनिट दस के बराबर है तो सात यूनिट सत्तर के यानी एक संख्या सत्तर आ गई दूसरी संख्या कितनी है बीस हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए दोनों का गुणनफल करिए सत्तर गुना बीस कितना हो गया चौदह सौ ठीक है तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृत्ति ब्याज से अस्सी हजार रुपए के दो वर्ष बाद बीस प्रतिशत की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे अब देखिए अर्धवार्षिक का मतलब है छह महीने में ब्याज लगना है ना कि एक साल में तो टोटल अमाउंट कितनी है हमें टोटल अमाउंट देखनी है वो है अस्सी हजार रुपए ठीक है और समय कितना है दो वर्ष देखिए अगर मैं ब्याज साल में एक बार लूं तो उसको बोलते हैं वार्षिक लेकिन अर्धवार्षिक है तो अब ब्याज कितनी बार लगेगा चार बार तो चार अर्धवार्षिक होगा ठीक है दूसरी बात 20 प्रतिशत की वार्षिक दर अब दर कितनी है 20 प्रतिशत की वार्षिक है वार्षिक है ना अगर मैं वार्षिक को यानी सालाना एनुअली ठीक है ना अगर वार्षिक को अर्धवार्षिक में कन्वर्ट करूं तो दो से भाग देना पड़ेगा ठीक है अब दर नई दर कितनी आई है दस प्रतिशत अर्धवार्षिक ठीक है अब नई रेट क्या आ गई टेन परसेंट और टाइम कितना आ गया चार अर्धवार्षिक यानी चार बार ब्याज लगेगा ठीक है दस परसेंट का मतलब होता है टेन परसेंट को अगर मैं रेशो में कन्वर्ट करूं तो वन बाई टेन होता है कैसे आया टेन परसेंट को आप लिखिए टेन बाई हंड्रेड दैट इज इक्वल टू वन बाई टेन ठीक है ना तो पहली अर्धवार्षिक में थोड़ा सा ध्यान से देखिए पहली अर्धवार्षिक में अस्सी हजार रुपये पे वन बाई टेन यानी अस्सी हजार का दसवां हिस्सा क्या रहेगा ब्याज के रूप में लिखा जाएगा तो अस्सी हजार का दसवां हिस्सा कितना है आठ हजार तो पहली अर्धवार्षिक में यानी पहले छः महीने में आठ सौ रुपये सॉरी आठ हजार रुपये ब्याज मिला दूसरी में देखते हैं दूसरे में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज के ऊपर ब्याज अस्सी हजार के ऊपर वन बाई टेन करेंगे तो वन बाय टेन में हर बार नहीं लिखूंगा दसवां हिस्सा बैस अस्सी हजार का दसवां हिस्सा आठ हजार रुपये ब्याज और आठ हजार रुपये के ऊपर दसवां हिस्सा आठ सौ रुपये ब्याज ये दूसरी अर्धवार्षिक था अब तीसरा अर्धवार्षिक देखते हैं आठ हजार अस्सी हजार के ऊपर आठ हजार रुपये और आठ और आठ सोलह हजार के ऊपर दसवां हिस्सा यानी सोलह सौ सो रुपये ब्याज और आठ सौ के ऊपर अस्सी रुपये ब्याज ठीक है ना क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज भी है अब बात करते हैं फाइनल फोर्थ जो अर्धवार्षिक है उसके ऊपर ब्याज अस्सी हजार के ऊपर मिला आठ हजार रुपये तो अब देखिए आठ हज़ार सोलह हजार चौबीस हजार चौबीस हजार के ऊपर दसवा हिस्सा चौबीस सौ रुपये ब्याज के रूप में फिर ये आठ सौ और ये सोलह सौ कितने हो गए चौबीस सौ रुपये चौबीस सौ के ऊपर हो गया ब्याज दो सौ चालीस रुपये अस्सी के ऊपर ब्याज हो गया आठ रुपये ठीक है ना? अब एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस इन अमाउंट को जोड़ोगे तो आपके पास आएगा सैंतीस हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये ये क्या आ गया सैंतीस हजार एक सौ अट्ठाईस रुपए क्या है ब्याज है और मूल क्या था अस्सी हजार रुपए दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास आएगा एक लाख सत्रह हजार एक सौ अट्ठाईस रुपए तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने पुत्र से छब्बीस वर्ष बड़ा है तीन वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए देखिए एज वाले क्वेश्चन आयु वाले क्वेश्चन ज़्यादातर ऑप्शन से ही सॉल्व होते हैं तो सबसे शॉर्ट तरीका है कि आप ऑप्शन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए अब ये है सन ये है फादर ठीक है मान लीजिए सन क्या है एक्स ईयर का है और फादर कितना हो गया फिर एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स पुत्र की आयु एक्स वर्ष है तो फादर की कितनी हुई छब्बीस साल बड़ा है तो छब्बीस साल ऐड हो जाएंगे अब मैं ऑप्शन लेके करता हूँ ए ऑप्शन क्या है देखिए ए ऑप्शन है दस वर्ष अगर मैं फादर की आयु दस वर्ष मानता हूँ तो ये पॉसिबल नहीं है कि फादर अपने बेटे से छब्बीस साल बड़ा हो क्योंकि वो खुद दस साल का है तो ए ऑप्शन तो हो गया गलत बी ऑप्शन में मैं यहाँ पे फादर की एज क्या करता हूँ यहाँ पे अब दस की बजाय मैंने फादर की एज थर्टी सिक्स ली है छत्तीस वर्ष वर्तमान आयु है ठीक है तो उसका बेटा कितने साल का हो गया अब क्योंकि पिता जो है पुत्र से छब्बीस साल बड़ा है तो अगर पिता छत्तीस साल का है तो बेटा कितने का होगा दस साल का यह वर्तमान आयु है अब कहा है तीन वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की तीन गुनी हो जाएगी तीन वर्ष बाद जो पुत्र दस साल का था वो कितने साल का हो गया तेरह साल का और बाप कितने साल का हो गया यानी पिता तीन साल और जोड़ दीजिए उनतालीस क्या तेरह का तीन गुना उन्तालीस है बिल्कुल सही है यानी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमने जो थर्टी सिक्स माना था कि पिता की वर्तमान आयु थर्टी सिक्स है वो सही आंसर है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित धनराशि का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से छह वर्षों के लिए निवेश किया गया यदि यह तीन प्रतिशत अधिक दर पर निवेश की गई होती तो नौ सौ रुपये अधिक प्राप्त होते देखिए दर जो है यानी रेट जो है उसमें तीन परसेंट का इंक्रीज है तो दर कह लो या रेट कह लो इसका मतलब क्या है कि हमें कितना ब्याज मिला सौ रुपए पे ईयरली यानी एक साल में सौ रुपये पे जो ब्याज मिलता है उसको रेट बोलते हैं उसको रेट बोलते हैं तो तीन परसेंट इंक्रीज का मतलब क्या है तीन रुपये अधिक ब्याज मिलेगा सौ रुपये पर एक साल में ठीक है बट एक्चुअल में हमें ये कितना मिला हुआ है ये तो ईयरली है एक्चुअल में हमें नौ सौ रुपये ब्याज मिला है बोला है ना कि तीन प्रतिशत दर दर में इंक्रीज होने पे नौ सौ रुपये अधिक प्राप्त होते हैं तो एक्चुअल में तो हमें नौ सौ रुपये ज़्यादा मिले हैं कितने साल में मिले हैं छः साल में तो एक साल में कितने मिले डेढ़ सौ रुपये तो एक साल में हमें डेढ़ सौ रुपये मिले हैं सौ रुपए पे हमें तीन रुपए मिलते हैं तो डेढ़ सौ रुपए कितने रुपए पे मिलेंगे ऊपर की संख्या को पचास से गुना कर दो और नीचे की संख्या को पचास से गुना कर दो तो ऊपर आ गया तीन गुना पचास डेढ़ सौ और सौ गुना पचास पांच हजार रुपए ईयरली यानी एक साल में 5000 हजार के ऊपर यानी एक साल में 5000 हजार के ऊपर हमें डेढ़ सौ रुपये भी आज मिल रहा है तो हमसे हमें मूलधन ही निकालना था तो मूलधन क्या होगा मूलधन है पांच हजार रुपये तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पी कार्य करने में क्या उसे दोगुना सक्षम है यानी ये पी है ये क्या है अगर क्या एक यूनिट काम करता है एक दिन में तो पी दो यूनिट काम करेगा क्योंकि दोगुना सक्षम का मतलब है काम डबल करेगा दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिन में पूरा करते हैं तो क्या वो अकेला इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा लगाएगा ठीक है ना तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा यूनिट वर्क मैं पहले ही बता चुका हूँ सेंटर में टोटल वर्क राइट हैंड साइड में टोटल टाइम ठीक है ना यूनिट वर्क मतलब एक दिन का काम तो पी और क्या क्याउ पी ए, ए, क्या एक दिन में एक यूनिट काम करता है ये हमने माना हुआ है और क्या आ, पी कितना करेगा क्या क्याउ अगर एक यूनिट काम कर रहा है तो पी दोगुना करेगा टू यूनिट दोनों ने मिलकर यानी दोनों ने मिलकर एक दिन में काम कितना किया तीन यूनिट और काम कितने दिन में खत्म हुआ बाईस दिन में तो एक दिन में तीन यूनिट काम हो रहा है और काम होने में बाईस दिन लग रहे हैं तो टोटल काम कैसे आएगा बाईस गुना तीन छियासठ अब टोटल काम कितना है छियासठ यूनिट हमसे पूछा है क्या वो अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा तो क्या वो एक दिन में एक यूनिट काम करता है तो छियासठ यूनिट काम छियासठ दिन में होंगे छियासठ बाय वन छियासठ दिन तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की चार गुनी है तो मतलब जो संख्या है अगर उनके अंकों का जोड़ करें उससे चार गुनी है यदि संख्या में सताइस जोड़ा जाए तो यह अपने अंकों के योग की सात गुनी हो जाएगी तो दो अंकों की संख्या क्या है देखिए ये ऑप्शन लेके करते हैं फर्स्ट ऑप्शन मैंने लिया चौबीस तो चौबीस के अंकों का जोड़ कितना है छः छः चौका चौबीस चार गुना ज़्यादा है तो यहाँ तक की स्टेटमेंट सेटिस्फाई होती है ठीक है अब मैंने क्या किया चौबीस के अंदर सताइस जोड़ दिया ठीक है तो कितना आया इक्यावन ठीक है तो जो ये संख्या ये अंकों का जोड़ छः था तो उसका सात गुना हो जाएगी तो छः सत्ता बयालीस ये तो इक्यावन है तो मतलब हमारा ए ऑप्शन तो हो गया गलत बी ऑप्शन लेता हूँ बारह बारह के जो डिजिट हैं यानी अंक है उनका जोड़ तीन है ठीक है तो तीन का चार गुना बारह होता है तो यहाँ तक की स्टेटमेंट तो सेटिस्फाई हो रही है अब करिए क्या बारह में सताइस जोड़ दीजिए ठीक है तो कितना आया उनतालीस क्या तीन का सात गुना उनतालीस होता है नहीं होता इक्कीस होता है ठीक है ना तो बी ऑप्शन भी गलत है ऑप्शन सी देखते हैं ऑप्शन सी में मैंने 48 ले लिया ठीक है ना इनके डिजिट को जोड़िए चार और आठ बारह तो बारह का चार गुना ज़्यादा कितना होता है अड़तालीस होता है ठीक है अब क्या करिए अड़तालीस में सताइस जोड़ दीजिए ठीक है तो पंद्रह और ये सेवनटी फाइव हो जाएगा पचहत्तर तो क्या बारह का सात गुना पचहत्तर होता है बिल्कुल नहीं होता चुरासी होता है तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो गया तो कौन सा ऑप्शन बचा है डी तो डी ऑप्शन सही आंसर है फिर भी निकाल के देख लेते हैं डी ऑप्शन है छत्तीस छत्तीस के डिजिट का जोड़ कितना है नो तो इसका चार गुना क्या हो गया छत्तीस तो एक कंडीशन सेटिस्फाई गई अब क्या करिए छत्तीस में स्ताइस जोड़िए तो कितना आ गया तिरसठ क्या नो का सात गुना ज्यादा तिरसठ होता है नो सतह तिरसठ बिल्कुल सही है तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नाव धारा की विरुद्ध दिशा में शहर एक्स वाई की ओर जाती है एक नाव है जो धारा के विरुद्ध यानी जब एक्स से वाई की तरफ गई वो तो वो धारा के विरुद्ध थी तो मतलब यहाँ पे जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है देखिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तभी तो नाव इस डायरेक्शन में जो जा रही थी ये नाव है वो धारा के विरुद्ध होगी ठीक है ना तो जब x से y की तरफ जा रही है तो धारा के विरुद्ध है और धारा की दिशा में कब होगी जब वो y से x की तरफ आएगी इस डायरेक्शन में यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की जो गति है नाव की गति जो है वो कितनी दी हुई है 40, ठीक है और जो धारा की गति दी हुई है वो कितनी है 10, ठीक है तो हमें निकालना है पूरी यात्रा में नाव की गति कितनी है अब देखिए जब नाव एक्स से वाई की तरफ जा रही है ठीक है तो नेट कितनी मतलब नाव की कितनी गति है चालीस और धारा की कितनी है दस तो ये दोनों आपस में आमने सामने हैं तो नेट रिजल्ट क्या रहेगा इस डायरेक्शन में चालीस माइनस दस तीस किलोमीटर पर आवर ठीक है और जब ये इस डायरेक्शन में आएगी ठीक है तो इस डायरेक्शन में नाव की गति 40 है और वाटर की 10 ठीक है वाटर क्या करेगा नाव को धक्का मारेगा तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी यहां पे तो घटी थी क्यों घटी थी क्योंकि पानी जो है नाव को आगे बढ़ने से रोक रहा है तो इसलिए घट गई 40 माइनस दस तीस यहां पे धक्का मारेगा तो नाव की स्पीड बढ़ेगी चालीस प्लस दस यानी पचास ठीक है अब बात करते हैं मान लीजिए हमें एजूम करना है ये एक्स था ये वाला एक्स में यहां पर लिख रहा हूँ ये एक्स है और ये वाई है मान लीजिए एक्स से वाई की तरफ जाने में उसको एक घंटा लगा ठीक है तो जब एक घंटा लगा स्पीड कितनी थी तीस किलोमीटर पर हावर तो यानी कितनी किलोमीटर की दूरी हो गई है तीस किलोमीटर ठीक है अब वाई से एक्स की तरफ आना चाह रहा है तो दूरी तो वही तीस किलोमीटर है समय कितना लगेगा देखिए दूरी का गति का गति का फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय ठीक है अब गति कितनी है गति जब वापस आ रहा है पानी के साथ साथ तो गति तो है पचास ये पचास है ठीक है और दूरी कितनी है दूरी है वही तीस किलोमीटर दूर हमें समय निकालना है समय कितना आएगा समय आ जाएगा समय आएगा यह पचास नीचे चला जाएगा तो तीस बटे पचास यानी तीन बटे पाँच यहाँ से यहाँ तक आने में एक किलो एक घंटा लगा और तीस किलोमीटर की दूरी तय हुई तो वाई से एक्स की तरफ जाने में कितना समय लगेगा दूरी तो वही है तीस किलोमीटर समय लगा तीन बटे पाँच घंटे अब हमें जो निकालना है वो देखिए हमें क्या निकालना है कि औसत गति ज्ञात कीजिए औसत गति का फॉर्मूला है औसत जो होता है औसत गति यानी एवरेज स्पीड उसका फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय यहाँ पे तो दूरी बटे समय है कुल दूरी दूरी कितनी है तीस किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक और फिर वापस आया फिर तीस किलोमीटर यानी तीस प्लस तीस साठ किलोमीटर और डिवाइड में कितना है समय टोटल समय एक घंटा ये लगा और तीन बटे पाँच घंटे ये लगे यानी एक घंटा प्लस तीन बटे पाँच तो यह आ गया साठ और यहाँ से एल लेंगे आठ डिवाइड में फाइव फाइव ऊपर चला गया तो चार पे कैंसिल कीजिए दो यहाँ पे आ गया पंद्रह तो पंद्रह पंजे पचहत्तर बटे दो यानी सैतीस पॉइंट पांच सैतीस पॉइंट पांच किलोमीटर पर हावर तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पी पहले एक घंटे में पचास किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है अगले दो घंटों में सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है पी की औसत गति ज्ञात कीजिए देखिए औसत गति क्या होती है औसत गति यानी एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड ये किसके इक्वल है कुल दूरी बटे कुल समय ठीक है तो P एक घंटे में 50 किलोमीटर की स्पीड से चला तो एक घंटे में उसने कितनी दूरी तय की 50 किलोमीटर अगले दो घंटे में सत्तर किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला तो अगले दो घंटे में उसने कितनी दूरी तय की एक घंटे में सत्तर किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दो घंटों में एक सौ चालीस किलोमीटर की हमसे क्या पूछा है एवरेज तो एवरेज क्या है कुल दूरी कुल दूरी कितनी होगी पचास और एक सौ चालीस यानी 190 किलोमीटर और समय कितना होगा एक और दो यानी तीन हावर ठीक है ना तो कैंसिल कीजिए तो कैंसिल करने पे ये आएगा 63.33 किलोमीटर पर आवर तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ने एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी और इसे 10 प्रतिशत लाभ पर बेच दिया यदि यह 1380 रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती देखिए पी ने क्या है एक वस्तु 1200 रुपए में खरीदी ठीक है तो इसको दस प्रतिशत लाभ पे बेच दिया तो दस प्रतिशत का रेशियो क्या होता है दस बटे सौ यानी वन बाय टेन तो एक बारह सौ का वन बाय टेन कितना है एक सौ बीस रुपये यानी बारह सौ पे एक सौ बीस रुपये का लाभ हुआ तो उसने कितने की बेची तेरह सौ बीस की ठीक है तो दस परसेंट किसके इक्वल आ गया एक सौ बीस के यानी टेन परसेंट इक्वल है एक सौ बीस के वन परसेंट का मतलब क्या है बारह रुपये ठीक है ये चीज आप याद रखें अब स्टेटमेंट में बोला क्या गया है यदि यह तेरह रुपए में बेची गई होती तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती अब तेरह रुपए में बेची गई है ठीक है अगर ये तेरह रुपए में बेची गई होती तो डिफरेंस देखिए कितने का आता साठ रुपये प्लस में बिकती ठीक है बारह रुपये पे एक परसेंट बनता है तो साठ रुपये पे कितना बनेगा पांच से मल्टीप्लाई करिए ठीक है ना तो पांच प्रतिशत बनेगा तो पांच प्रतिशत क्या हुआ लाभ में वृद्धि हुई है तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का एच तथा एलसीएम क्रमशः सात और दो सौ बावन है यदि एक संख्या अठाईस हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए देखिए एक फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का योग दो संख्याओं की गुणा दो संख्याओं की गुणा किसके बराबर रहेगी उनके एच और एल की गुणा की ठीक है तो दो संख्याओं में से एक तो है 28 दूसरी मैंने मान ली X एच कितना है और एल कितना है सात और दो सौ बावन हमें X की वैल्यू निकालनी है इजी है X इज इक्वल टू सेवन इंटू टू फिफ्टी टू डिवाइड में क्या जाएगा ट्वेंटी एट सात सौ तो ये क्या आएगा चार छः के चौबीस चार तीय बारह यानी सिक्सटी थ्री जो है वो दूसरी संख्या है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है तेरह है यदि उन अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या सताइस से घटती है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए देखिए मैं इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से लेके करने की सलाह देता हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन से काफ़ी ईजिली हो जाते हैं तो ए जो ऑप्शन है मैं ए ऑप्शन लेके चल रहा हूँ 85 ठीक है ना पचासी तो अंकों का जोड़ देखिए आठ और पाँच तेरह तो यहाँ तक की जो कंडीशन थी वो तो सेटिस्फाई हुई अब क्या करते हैं अंकों को बदल देता हूँ तो ये मैंने डिजिट को क्या किया बदल दिया अब कहता है कि बदलने पर जो डिफरेंस आएगा वो सताइस का आएगा देखते हैं पंद्रह में से आठ घटाइए सात यहाँ पे कितना बचा सात सात में से पाँच घटा दीजिए दो यानी जो डिफरेंस आया वो सताइस का यानी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो मतलब हमारा जो तो उसने पूछा क्या है देखिए हमने पचासी लिया था तो अंक बदलने पे अट्ठावन और डिफरेंस आया सताइस तो उसने पूछा है बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए अब बदली हुई संख्या तो अठावन है पचासी हमने लिया था बदली हुई संख्या अठावन है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है पी की लंबाई पांच फीट है ये पी है सॉरी ये पी है और इसकी जो लंबाई है वो क्या है 5 फीट उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई सात फीट है तो ये जो परछाई है उसकी उसकी लंबाई कितनी है सात फीट उसके बाद उसने मापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई क्या है बयालीस फुट बनती है ये स्कूल है ठीक है उसकी इमारत की परछाई की लंबाई बयालीस फुट है तो स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात कीजिए ये लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ पे अब देखिए लड़के की यानी जो पी है उसकी पी की जो लंबाई है वो कितनी थी सा आ, उसकी परछाई की लंबाई कितनी थी सात फीट और स्कूल की इमारत की जो परछाई की लंबाई है वो बयालीस यानी छः गुना ज्यादा जब परछाई छः गुना ज़्यादा है तो लंबाई भी गुना ज्यादा होगी तो इसकी अगर पाँच है तो पाँच को छः से गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा तीस फीट तो इसका मतलब स्कूल की इमारत की लंबाई कितनी है तीस फीट तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य एक सौ रुपये रख दिया ठीक है ना तो एक दुकानदार ने जो अंकित मूल्य रखा है वो अंकित मूल्य कितने रुपए रखा है एक सौ रुपये ठीक है यदि 10 प्रतिशत की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20 प्रतिशत का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यानी इसके ऊपर 10 प्रतिशत छूट दी अब 10 प्रतिशत छूट का मतलब क्या है वन बाय टेन यानी 160 का दसवां हिस्सा छूट के रूप में दिया तो इसका दसवां हिस्सा कितना है सोलह रूपये तो एक सौ अंकित मूल्य था सोलह रूपये उस पर क्या दिया छूट तो कितना आया एक सौ में उसने बेच दी ठीक है ना छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20 प्रतिशत का लाभ मिलता हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ये क्या है सेलिंग प्राइस देखिए 20 प्रतिशत लाभ का मतलब क्या है 20 बटे सो so, यानी एक बटा पाँच यानी पाँच रुपये की अगर कोई चीज़ है यानी पाँच रुपये अगर क्रय मूल्य है तो एक रुपये क्या है लाभ यानी प्रॉफिट तो सेलिंग प्राइस क्या रहेगा एक और पाँच छ बट एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है एक सौ चवालीस कैंसिल कीजिए छः दुनी बारह छः चौक चौबीस यानी एक यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी चौबीस रुपये के तो हमारा क्रय मूल्य कितना है पांच तो पांच को चौबीस से गुना करूंगा तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा जो हमें निकालना है क्रय मूल्य आएगा एक सौ बीस रुपए तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है बारह मीटर और सत्रह मीटर लंबे खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए देखिए एक जो खम्बा है वो कितना मीटर लंबा है 12 मीटर दूसरा क्या है वो कितना है 17 मीटर ठीक है तो इनका जो आधार है वो दोनों मैंने मिला दिया इनके बीच की दूरी कितनी है बारह मीटर ठीक है तो हमें क्या निकालनी है ये जो डिस्टेंस है ठीक है ना ये हमें कैलकुलेट करनी है करनी क्या है ये बारह है तो ठीक एक लाइन यहाँ पे खींचिए ठीक है जो नीचे वाली बेस लाइन के पैरेलल हो तो ये जो लेंथ आएगी ये कितनी होगी बारह टोटल कितनी है सत्रह तो ऊपर की जो ये लेंथ आएगी पाँच मीटर ये बारह है तो ये भी बारह रहेगी तो हमें ये निकालनी है ठीक है ये जो ट्रैंगल है वो पाइथागोरस है सॉरी राइट एंगल ट्राएंगल है इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई करेंगे ठीक है ना तो पाँच बारह और ये हमें निकालना है तो ये क्या है कर्ण यानी हाईपोर्ट न्यूज ए बी का स्क्वेयर किसके इक्वल है लंब का स्क्वेयर यानी पाँच का स्क्वेयर पच्चीस आधार कितना है बारह बारह का स्क्यर एक सौ चौवालीस इसके जोड़ के ठीक है ना पाइथागोरस थ्योरम टेंथ या नाइन्थ क्लास में आ जाती है आप पहले पढ़ चुके हो तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी ए बी स्क्वेयर की वैल्यू आ जाएगी वन सिक्सटी नाइन एक सौ उनहत्तर तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी स्क्वेयर रूट दोनों साइड लेंगे तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया यहां पे स्क्वेयर रूट एक सौ उनहत्तर का स्क्वेयर रूट कितना है तेरह तो ये ए बी की वैल्यू कितनी है 13 तेरह मीटर तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है नब्बे मेज की क्रय मूल्य साठ मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए देखिए नब्बे मेज हैं उनका क्रय मूल्य किसके बराबर है साठ मेज के विक्रय मूल्य के अब देखिए जब 60 मेज को आप बेचोगे तो आप 90 मेज खरीद सकते हो यानी 30 ज्यादा मेज तो देखा जाए ये तीस जो ज्यादा है वो प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट मतलब लाभ तो ये क्या है हमारा लाभ तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है यानी जो लाभ है वो परसेंटेज में निकालना है वो किसके इक्वल है लाभ कितने का हुआ तीस का कितनी मेज के ऊपर हुआ है कितनी मेज के ऊपर हुआ है साठ मेजों के ऊपर ठीक है इन टू सो तो कैंसिल आउट करिए तो ये आ जाएगा फिफ्टी परसेंट तो हमें जो लाभ हुआ है वो पचास प्रतिशत हुआ है तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पैंतालीस सेंटीमीटर लंबी और पैंतीस सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भूजा के चार वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से खुला बॉक्स बनाया गया तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए देखिए यह एक आयताकार चादर है इसकी लंबाई 45 है और चौड़ाई 35 है ठीक है तो ये जो चार कोने हैं यहां से पांच लंबाई पांच चौड़ाई यानी पाँच सेंटीमीटर भुजा वाले चार वर्ग काटे गए एक ये है एक ये है वो एक ये एक ये ठीक है तो बचा हुआ जो ये लेंथ है ये डोटेड एरिया मैं दिखा रहा हूँ ये क्या होगा बॉक्स का नीचे का बेस होगा ठीक है अब लंबाई क्या होगी टोटल लंबाई कितनी थी पैंतालीस पाँच यहाँ से कट गई पाँच यहाँ से तो बची कितनी पैंतीस ये कितनी थी यहाँ से यहाँ तक पैंतीस थी तो पाँच यहाँ से कैंसिल पाँच यहाँ से तो बची कितनी पच्चीस ठीक है तो ये तो आ गया बॉक्स का बेस ये जो पट्टी है ये क्या हो जाएगी फोल्ड हो जाएगी फोल्ड होके क्या करेगी बॉक्स का जो ऊपर का एरिया है वो तो ओपन है लिखा हुआ है खुला बॉक्स लेकिन ये जो चारों जो है ये साइड बनेगी बॉक्स की ठीक है ना तो वॉल्यूम क्या आएगी यानी आयतन आयतन होता है लंबाई लंबाई कितनी है पैंतीस ये रही पैंतीस गुना चौड़ाई चौड़ाई कितनी है पच्चीस और ऊंचाई कितनी होगी ये जो ये जो ए, लेंथ है ये ऊंचाई होगी क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगी तो ऊंचाई कितनी है पाँच मीटर तीनों को गुना करोगे तो आपके पास आएगा चार हजार तीन सौ पचहत्तर सेंटीमीटर क्यूब तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन आठ के प्रथम गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए देखिए आठ का जो पहला गुणांक है वो कितना आठ गुना एक फिर दूसरा है आठ गुना दो फिर ऐसे चलता रहेगा तो लास्ट कौन सा बचा आठ गुना बीस तो हमें इसका औसत निकालना है देखिए औसत क्या होता है औसत होता है ये जो आंकड़े हैं इनका जोड़ इनको जोड़ दीजिए एट गुना वन प्लस एट गुना टू ठीक है चलता रहेगा एट गुना ट्वेंटी ठीक है और डिवाइड में क्या है कितनी संख्याएं हैं एक दो ऐसे करते करते बीस संख्याएं हैं तो बीस से डिवाइड कर दीजिए ठीक है तो, तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा आठ कॉमन ले रहा हूँ आठ मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक दो तीन चलता रहेगा बीस तक और डिवाइड में क्या है बीस अब देखिए एक से बीस क्या है नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर का जोड़ कैसे निकालोगे उसके लिए फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू एन क्या है आखिरी नंबर तो आखिरी नंबर क्या है बीस और यहाँ पे क्या आएगा एक आगे वाला नंबर यानी इक्कीस यानी बीस गुना इक्कीस डिवाइड में टू कैंसिल हो जाएगा दस आएगा यहाँ पे इक्कीस गुना दस दो सौ दस ठीक है तो अब औसत क्या रहेगा आठ गुना यहाँ पे दो सौ दस और डिवाइड में बीस एक जीरो से एक ज़ीरो कैंसिल दो पे कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा चार इक्कीस गुना चार कितना है चौरासी तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि थ्री कोई संख्या है वो से विभाजित होती है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक्स का मान ज्ञात कीजिए देखिए कोई भी संख्या यानी एक्स थ्री नाइन थ्री अगर ग्यारह से तभी विभाजित होगी यदि उनके इवन और ओड पोजीशन पे जो डिजिट हैं उनके उनका सम करने पर उनका जो डिफरेंस आए वो ग्यारह से भाग होना चाहिए देखिए मैं समझाता हूं ये पोजीशन कौन सी है पहली और तीसरी यानी ये पोजीशन क्या है ओड यानी विषम और ये क्या है ईवन ईवन मतलब सम तो इनके डिजिट का जोड़ करिए यानी विषम का जोड़ क्या आया तीन और तीन छे और सम का जोड़ क्या आएगा एक्स प्लस नाइन ठीक है तो x की क्या वैल्यू रखूं कि दोनों का डिफरेंस जो आए यहां पे वो 11 से भाग हो जाए यानी ये 11 से भाग हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलता हूं अगर मैं पांच रखूं तो पांच और नौ चौदह होते हैं चौदह और छह का डिफरेंस आठ आता है तो आठ के डिवाइड में ग्यारह पूरी तरह नहीं कटता है तो ये ऑप्शन गलत बी रखता हूं छे तो, तो डिफरेंस कितना आएगा नो नौ ग्यारह से भाग नहीं होता सात रखता हूं तो सात और नौ सोलह सोलह में से छः घटाएंगे तो दस आएगा तो दस बाय ग्यारह यह भी पूरी तरह भाग नहीं होता लेकिन अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे आठ रखूँ तो आठ और नौ कितना होता है सत्रह सत्रह में से छः घटाइए यहाँ पे आता है ग्यारह तो ग्यारह कैंसिल होता है तो इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है आठ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरह उन्नीस इक्कीस और बाईस का एलसीएम ज्ञात करें देखिए अगर इनमें से कोई भी एक संख्या एल है ठीक है ना मान लीजिए ये एल है तो ये संख्या इन सभी नंबर से भाग होगी ठीक है तो तेरह तो एक प्राइम नंबर है उन्नीस भी प्राइम नंबर है इक्कीस देखिए इक्कीस तीन और सात दोनों से भाग होता है तो इसका मतलब जो एल आएगा वो तीन से भी भाग होगा और सात से भी होगा जब इक्कीस से भाग हो रहा है वो तीन और सात से भी होगा फिर बाईस की बात करता हूँ बाईस जो है वो दो से भी भाग होता है और ग्यारह से भी भाग होता है इंपॉर्टेंट चीज है कि वो तीन से भाग हो रहा है और ग्यारह से भाग हो रहा है ठीक है अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन ए की ए ऑप्शन में जो ये संख्या दी गई है वन वन फोर वन वन फोर ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये तीन से भाग होती है कोई भी संख्या तीन से तब भाग होती है अगर उनके डिजिट का जोड़ तीन से भाग हो रहा हो तो एक और एक दो दो और चार छः छः सात आठ आठ और चार बारह डिजिट का जोड़ आया बारह वो क्या है तीन से भाग होता है तो आंसर चार आता है तो इसका मतलब ये जो आंसर है वो हमारा सही आंसर हो सकता है बी ऑप्शन देखता हूँ बी ऑप्शन क्या है एक दो चार एक दो चार डिजिट का जोड़ देखता हूँ छः और एक सात और सात यहाँ पे चौदह चौदह तीन से भाग नहीं होता तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया सी ऑप्शन की बात करता हूँ एक चार एक, एक एक चार तो ये कितना आ गया छः और छः बारह तो ये तीन से भाग होता है तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो सकता है डी की बात करता हूँ मैं एक चार दो दो एक चार ये कितना है सात और सात फिर से डिजिट का जोड़ चौदह आया तो डी ऑप्शन गलत है अब ए और सी में से दोनों में से कोई एक आंसर सही है तो तीन के लिए तो मैंने चेक कर लिया ठीक है ग्यारह के लिए और चेक करता हूँ मैंने तीन और ग्यारह ही इसलिए सेलेक्ट किए क्योंकि इनको चेक करने की शॉर्ट ट्रिक्स है तेरह उन्नीस को चेक करने की या फिर इक्कीस को चेक करने की ट्रिक्स नहीं है तो तीन और ग्यारह की है तीन की चेक कर ली दो ऑप्शन गलत हो गए ग्यारह के लिए चेक करते हैं अब ग्यारह के लिए कैसे चेक करोगे ग्यारह के लिए ज़रूरी है पहले आप ओड और इवन नंबर दीजिए एक एक चार एक एक चार तो ये है ओड ये है ओड ये भी ओड है ठीक है तो और ये है इवन ये भी इवन है और ये भी इवन है तो इवन पोजीशन पे जो डिजिट है उनका जोड़ निकालिए एक और चार पाँच पाँच और एक छः और ओड पोजीशन पे जो है यानी विषम पोजीशन पे उनका जोड़ निकालिए एक और एक दो और चार छः अगर दोनों का डिफरेंस ग्यारह से भाग होता हो तब तो ये ग्यारह से डिवाइड होती है अदरवाइज़ नहीं तो दोनों का डिफरेंस कितना है जीरो तो इसको जीरो को ग्यारह से डिवाइड करूंगा तो जीरो आंसर आएगा तो जीरो ग्यारह से डिवाइड होती है तो इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही आंसर है ए हमारा सही आंसर है सी के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं देखिए एक चार एक एक, एक चार ओड चेक करता हूँ मैं एक, एक और एक तो ओड के लिए कितना है चार और चार आठ और एक नौ इवन के लिए कितना है एक दो और एक तीन ठीक है डिफरेंस कितना आ गया छः का क्या छः ग्यारह से डिवाइड होता है नहीं होता तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया ठीक है तो बचा कौन सा ए ऑप्शन ए ऑप्शन सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ट्रायंगल ए बी सी तथा डी ई एफ त्रिभुज हैं जिसमें बी सी चार सेंटीमीटर ई एफ सात सेंटीमीटर है और ए बी सी का क्षेत्रफल एक सौ वर्ग सेंटीमीटर है तो डीई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी जिसमें बी सी कितना है चार सेंटीमीटर और एक थोड़ी सी बड़ी जो है वो त्रिभुज है डी ई एफ कैसे पता चला बड़ी है क्योंकि ई e, एफ की वैल्यू सात सेंटीमीटर है ठीक है तो दोनों समरूप हैं ए बी सी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है एक सौ तो हमें इस डी ई एफ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है तो इसमें समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रैंगल के लिए एक थ्योरम होती है थ्योरम क्या कहते हैं फर्स्ट ट्राएंगल का एरिया यानी फर्स्ट ट्राएंगल का एरिया कितना है 144 डिवाइड में सेकंड जो ट्राएंगल है उसका एरिया यानी एरिया ऑफ डी ई एफ बराबर रहेगा स्क्वेयर ऑफ साइड्स कोरस्पोंडिंग साइड यानी ये कॉरस्पोंडिंग साइड क्या है अगर ये चार हैं तो ये सात है यानी फोर बाय सेवन के स्क्वेयर के ये थ्योरम है ठीक है ना एरिया का रेशो बराबर है जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो है उसके स्क्वेयर के तो ये एरिया इस साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक सौ चवालीस और ये जो सात है इधर मल्टीप्लाई में आएगा उनचास और डिवाइड में कितना आएगा सोलह यानी चार का जो स्क्वेयर है सोलह होता है सोलह नहीं एक सौ चवालीस तो यहाँ पे क्या है एरिया ऑफ डी ई एफ है ठीक है तो उनचस और नौ दोनों की गुना करूँगा तो मेरे पास आएगा 441 तो ऑप्शन जो सी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नंबर दिए गए हैं और हमें उसमें बहुलक ज्ञात करना है बहुलक का मतलब होता है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है बार बार आया है तो मैं बहत्तर को देखता हूँ बहत्तर कितनी बार आया है एक ये एक बार है फिर उसके बाद चौहत्तर को देखता हूँ सेवेंटी फोर को एक ये रहा एक ये रहा दो ये दो बार है ठीक है फिर पचहत्तर को देखता हूँ एक दो तीन ये तीन बार है फिर छिहत्तर को देखता हूँ एक ये एक बार है फिर सेवेंटी सेवन को देखता हूँ सेवेंटी सेवन एक बार है फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, देखिए ऑप्शन जितने दिए गए हैं हम उन्हीं को देख लेते हैं सेवेंटी थ्री कितनी बार दिया हुआ है देखिए सेवेंटी थ्री कितनी बार दिया हुआ है एक और एक दो सेवनटी थ्री दिया हुआ है दो बार ठीक है फिर चौहत्तर को देखते हैं चुहत्तर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये भी दो बार है फिर पचहत्तर पचहत्तर तीन बार है और बहत्तर एक बार है तो पचहत्तर सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नंबर दिए गए हैं और उसकी हमें माध्यिका का ज्ञात करनी है यानी मीडियंस ठीक है मीडियंस कैलकुलेट करने के लिए जो नंबर का ऑर्डर है वो स्केंडिंग और डिस्कैंडिंग होना चाहिए या तो बढ़ता क्रम हो या घटता क्रम हो तो मैं बढ़ते क्रम में लिख लेता हूं सबसे पहले आएगा ग्यारह ठीक है उसके बाद आएगा तेईस फिर पच्चीस फिर छब्बीस फिर उनतीस फिर इकतीस फिर उनतालीस ठीक है तो टोटल नंबर काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छः सात तीन यहाँ से छोड़ दीजिए तीन यहाँ से बीच में जो बचा वही हमारी माध्यिका है यानी मीडियंस है तो छब्बीस सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री पॉइंट टू सिक्स और सेवन पॉइंट टू की मल्टीप्लीकेशन करनी है तो ये तो जैसे हम गुना करते हैं वैसे ही करना होगा इसकी गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा तेईस पॉइंट फोर सेवन टू ठीक है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संख्या को भाग दीजिए इस संख्या से ठीक है ना तो इक्यासी ठीक है दशमलव हटाऊंगा तो पाँच जीरो आएगी एक दो तीन चार पाँच ठीक है डिवाइड में है ठीक है तो पॉइंट जीरो नाइन आएगा तो यहाँ भी मैंने दशमलव को हटाया तो दो जीरो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल में इक्यासी नौ बटे हजार यानी जीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो नाइन तो ऑप्शन जो बी है वो सही आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है इस संख्या को भाग दीजिए इस संख्या से तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं टू बाय फाइव प्लस टू नाइन ठीक है ना और फिर डिवाइड में कितना है टू बाई फाइव प्लस फाइव बाई नाइन ठीक है ना तो इसमें इसका एलसीयम आएगा कितना पैंतालीस तो यहाँ पे आएगा नौ दूनी अठारह और यहाँ पे दस ठीक है ना डिवाइड में यहाँ पैंतालीस आएगा एलसीयम तो अठारह प्लस पच्चीस ठीक है तो अब इसको जोड़िए अठारह और दस अट्ठाईस के डिवाइड में पैंतालीस ये भाग का निशान है अठारह और पच्चीस तिरतालीस डिवाइड में पैंतालीस ठीक है अब ये भाग का निशान गुना में कन्वर्ट होगा तो आ, संख्या पलट जाएगी तो पैंतालीस बटे में तिरतालीस पैंतालीस से पैंतालीस कैंसर अट्ठाईस के डिवाइड में तिरतालीस तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है देखिए ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ ए बी सी और डी तो मैं ए ऑप्शन में तेरह बटे इक्कीस और सतावन बटे सतानवे को कंपेयर करता हूँ तो तेरह बटे इक्कीस और सतावन बटे सतानवे को कंपेयर करता हूँ और पता लगाता हूँ कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है तो पता लगाने के लिए क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई तो तेरह की सतानवे से गुना करूँगा तो ये आएगा बारह सौ इकसठ और सतावन की इक्कीस से गुना करूँगा ये आएगा ग्यारह सौ सतानवे तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है ये वाली तो मतलब ये संख्या बड़ी है तो ये संख्या जो है वो इससे आगे आएगी यानी सतावन बटे सतानवे से आगे तेरह बटे इक्कीस आएगी कहीं भी आई लेकिन आप देख सकते हो ए ऑप्शन में तेरह बटे इक्कीस सतावन बटे सतावे से सतानवे से पीछे है मतलब छोटी है तो ए ऑप्शन हमारा हो गया गलत ठीक है बी ऑप्शन में बात करता हूं तेरह बटे इक्कीस आगे है किससे सतावन बटे स्तानवे से ठीक है ना तो बी ऑप्शन सही हो सकता है सी में देखता हूं 13 बटे इक्कीस पीछे है सतावन बटे सतानवे से तो ऑप्शन सी भी गलत डी में देखता हूं तेरह बटे इक्कीस आगे है सतावन बटे सतानवे से ठीक है तो डी भी हो सकता है यानी बी और डी में से कोई एक आंसर सही है अब हम कोई दूसरे दो नंबर लेते हैं जिनको कंपेयर करते हैं तो वे दो नंबर क्या है बावन बटे चुरानवे और है दूसरा नंबर है सतावन बटे सतानवे क्यों लिए दो नंबर देखिए बी में इस नंबर को और इस नंबर को कंपेयर कर चुका हूं बी ऑप्शन में एक बार तो बावन बटे चुरानवे आगे है छत्तीस सतावन बटे सतानवे से और डी में क्या है उल्टा है देखिए इन दो नंबर को और इन दो नंबर को देखो ठीक है ना आगे पीछे हैं इसमें तो बावन वाली संख्या आगे है और इसमें बावन वाली संख्या पीछे है तो दोनों को कंपेयर करूँगा इससे बी और डी में से कौन सा सही है पता चल जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बावन की सतानवे से गुना करूंगा तो पाँच हजार सतावन की चौरानवे से गुना करूंगा करूँगा तो तिरपन सौ तो सतावन वाली संख्या बड़ी है तो वो आगे आएगी तो सतावन वाली संख्या किस में आगे है डी ऑप्शन में है क्योंकि सतावन वाली संख्या बावन वाली संख्या से आगे है और इसमें पीछे है तो बी ऑप्शन भी गलत ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर है